फ्रेंड्स कैसे हो आशा हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं एंड जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी के लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी रिकॉर्ड की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। तो यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड अपने मॉडल को चूज करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से ऐड, ठीक है। क्या करना है आपको अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है गाइस, देख सकते हो। एंड मैंने बैकग्राउंड इसका पहले से इरेज किया है, अगर बैकग्राउंड इरेज करना आपको नहीं आता है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा बैकग्राउंड कैसे इरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखने के बाद क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को डाउन करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कुछ इतना ही डाउन करना है, ठीक है। यहाँ से रेजर पर क्लिक करना है एंड हार्डनेस को फुल साइज मुताबिक रख के एंड ऐसे ये वाला एरिया हम इरेज कर लेते हैं पहले तो। एंड यहाँ पे अच्छे से करिएगा एंड यहाँ से ओपेसिटी पहले तो बढ़ा लेते हैं एंड फिर से इरेजर पर चलते हैं एंड हार्डनेस फुल साइज मुताबिक रख लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, जितना अच्छे से करेंगे उतना ही सही रहेगा, ठीक है। एंड इधर ऐसा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है एंड राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हो हैंड दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से टूल्स में चलेंगे एंड यहाँ से क्लोन टूल का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले इधर कट आएंगे एंड यहाँ पे इसको टाइप करते हैं एंड ऐसे, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद इधर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करते हैं एंड यहाँ पर ऐसे। इतना कर देने के बाद, ठीक है, क्या करना है, इधर आ जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ऐसा टाइप करते हैं एंड ऐसे, ठीक है। थोड़ी सा साइज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पर टाइप करके यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से इरेज करना, ठीक है गाइस, तभी अच्छा लुक देगा, नहीं तो बिल्कुल फेक टाइप लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्लोन टूल का यूज करना आपको नहीं पता है तो आप बता देना, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड जितना मतलब इस पर टाइम दोगे उतना ही अच्छा होगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी एंड आपको कुछ इस टाइप से कर लेना है एंड जितना पे मतलब अच्छा से ध्यान दोगे तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद यहाँ से ड्रॉ में चलेंगे एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड ये पिक्चर को सेव कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, हम लाइट रूम आ चुके हैं एंड यहाँ पे वॉइस कुछ डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि मेरा माइक और मेरा फ़ोन भी बहुत लो मतलब लो बजट का था और काम नहीं कर रहा है, तो कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, बट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता ही रहूँगा, टेंशन की बात कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना माइक के बना रहा हूँ एंड वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना एंड यहाँ से लाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे एंड हाईलाइट को माइनस की साइड रखेंगे एंड शेडो को बढ़ाएंगे एंड वाइट वाइट को प्लस की साइड रखेंगे एंड ब्लैक ब्लैक को माइनस की साइड, ठीक ठीक है, देख सकते हो। एंड ए वाली सेटिंग आपको कर लेना है, ठीक है, एंड देख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यहाँ से कलर्स में जाएंगे, कलर्स में आने के बाद वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर को 3 रखेंगे, ठीक है, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से मिक्स में आ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। एंड तीसरे स्टेप में ये करना है कि आपका इसका सैचुरेशन प्लस के साइड रखना है एंड ह्यू ह्यू माइनस के साइड एंड लुमिनस को हल्का प्लस, ठीक है, एंड इसको भी देख सकते हो। और यहाँ से ऑरेंज कलर का सेचुरेशन माइनस रखेंगे एंड ह्यू को प्लस रखेंगे एंड लुमिनस को हल्का सा बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इन दोनों का क्या करेंगे, ह्यू हम माइनस ही रखेंगे, ठीक है, माइनस कुछ इतना रख देने के बाद इसका सेचुरेशन हम प्लस रखेंगे, एक्वा कलर का एंड ब्लू कलर का भी सेचुरेशन प्लस, ठीक है, और इन दोनों का सेचुरेशन हम माइनस रखेंगे, ठीक है।
एंड यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे। एंड गाइस मैं बता दूं कि एंड इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 10 बार बनाया हूँ, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही थी बट किसी तरह करके वॉइस डाला हूँ, ठीक है गाइस, आपको लोग के लिए। एंड कमेंट ज़रूर करना है। एंड यहाँ से क्लियरिटी को कुछ इतना रख देंगे, ठीक है, एंड बिगनेट को कुछ इतना रख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से डन, यहाँ से बिफोर ऑफ्टर देख सकते हो, एरा बिफोर एंड ऑफ्टर, यहाँ से शेयर एंड और सेफ्टी डिवाइस। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तो लाइक करें, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।